जो ये फिल्म का जो जो मेन मैसेज है वो यही है कि हम सब हमारे समाज में देखते हैं कुछ चीज़ें हो रही हैं, और अक्सर हम उससे अलग रह जाते हैं, उससे हम जुदा हो जाते हैं, क्योंकि हमको लगता है यार हमारी ज़िंदगी ठीक चल रही है, मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे आगे मेडिसिन करना है, या मैं इंजीनियर हूँ, या मेरा बिजनेस है, जो भी हमारा काम काज है, मैं किसी चीज़ में क्यों पढ़ूँ, अक्सर हमारा ये। तो ये फिल्म हमें ये बताती है, ये फिल्म हमें ये कहने की कोशिश कर रही है कि अगर हमारे समाज में कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई कठिनाई है, तो वो हमें ही साफ़ करना है, वो हमें ही उसको बनाना है, वो हमें ही उसको ठीक करना है। कोई अमेरिका से, जापान से कोई आके हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करने वाला। तो हमको ही फेंस, जो बोलते हैं ना फेंस सिटर्स, हमको फेंस से उतर के हमको ही अगर हाथ मैले करने हैं तो हाथ मैले करने होंगे, लेकिन हमें हमारा देश जो है हमें ही बनाना है। वी हैव टू बी इन्वॉल्व इन नेशन बिल्डिंग। तो ये यूथ के लिए मैसेज था, ना सिर्फ यूथ के लिए बल्कि हम सब के लिए ये एक मैसेज था इस फिल्म का, कि हमें हमारे देश के साथ जुड़ना है, हमें हमारी मिट्टी के साथ जुड़ना है, और यहाँ जो कुछ भी तकलीफें हैं उसके साथ हमें ही जूझना है और हमें ही इसको आगे ले जाना है। ये मैसेज था इस फिल्म का। तो आई थिंक ये असर हम सब पे कुछ ना कुछ हुआ है, आई फील।